क्षत्रिय विधायक खुशी सिंह जोजावर ने खेल मैदान का किया लोकार्पण। क्षत्रिय विधायक खुशी सिंह ने कहा कि मगरा क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। वे गुड़ा भोपा में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को उच्च माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत व खेल मैदान के लोकार्पण, जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत पानी का टाका उच्च जलाशय और JJMP के तहत शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सरपंच भंवर सिंह करवाड़ा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजेश गुजर, लक्ष्मी नारायण तवर, पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह फुलाद, जोजावर सरपंच प्रतिनिधि राकेश जैन, बांछौर उप सरपंच हरि सिंह, नारायण सिंह आदि मौजूद रहे तथा इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया तथा गणमान्य लोगों ने क्षेत्रीय विधायक का भव्य स्वागत भी किया गया। क्लास कौन सी थी मालूम नहीं, लेकिन एक 7 साल का 8 साल का बच्चा क्या धारा प्रवाह अंग्रेजी में उसने भाषण दिया। नॉलेज स्टॉप हमारे तो समझ में आया नहीं, उसके भाव पढ़ लिए हमने कि उसने जब एक साल के अंदर परिवर्तन और दूर दराज मगरा क्षेत्र में साथियों हमारी माया ने निवेदन करनी चाहूं कि जो सपनों आपन नहीं देखी हो, कल्पना ही नहीं करता कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अपर बच्चों ने पढ़ाओला और वो बच्चों आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की मेहरबानी वारी दिव्य दृष्टि विजन 2030 की सोच रखने वाला हिंदुस्तान का एकमात्र अगर कोई व्यक्ति है तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिन्होंने दुनिया को ये साबित करके बता दिया कि राजस्थान हिंदुस्तान में एक प्रांत है और बहुआयामी योजना सरकार की तरफ से जो विकसित राष्ट्रों में नहीं है। गुरुदेव विकसित राष्ट्र अपन विकासशील में अग्रसर है, विकसित राष्ट्र की तरफ कल्पना कर रहे हैं 50 में होगा, 40 में होगा, कब होगा विकसित राष्ट्र पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का विजन 2030 का विजन लेके चल रहे हैं और उसी में पहला कदम जो है ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय जो खोले मुख्यमंत्री जी ने, और साथ ही सरकार ने महंगाई राहत में जो गरीब जनता को राहत प्रदान दी है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है विजन 2030 की।